मात्र 5 से 10 रुपए का पार्ले जी बिस्कुट का किया इस्तेमाल और बाजारों में मिलने वाली महंगी मिठाई या फिर महंगी बर्फी घर पे झटपट हुई तैयार। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना है, मात्र 10 रुपए के पार्ले जी बिस्किट से आज हम 1 किलो घर में मिठाई बना के बर्फी बना के तैयार करने वाले हैं। और बर्फी में स्वाद की मैं गारंटी लेता हूँ, एक बार इस बर्फी को चख लेंगे तो आपको लगेगा कि आपने इतनी स्वादिष्ट बढ़िया बर्फी कैसे बना ली है। तो दोस्तों, ये पार्ले जी बिस्कुट से आज हम जो मिठाई या फिर बर्फी तैयार कर रहे हैं, इसके लिए हमने लगभग 2-5 रुपए के पार्ले जी बिस्कुट ले लेने हैं। तो दोस्तों, इन 2 पार्ले जी बिस्किट को फटाफट से छील लेते हैं और इनके अंदर के बिस्किट निकाल लेते हैं। तो चलिए, फटाफट से सारे के सारे पैकेट छीलने के बाद अब हमने एक पैन ले लेना है। पार्ले जी बिस्कुट थोड़ा सा हार्ड होता है, आप कोई भी बिस्कुट ले सकते हैं नॉर्मल फ्लेवर का। साथ ही में अब हम डाल रहे हैं दोस्तों थोड़ा सा देसी घी। ये देसी घी में पार्ले जी बिस्किट को हल्का सा डुबोना है और कुछ भी नहीं करना। हल्का सा पार्ले जी बिस्किट डुबोएंगे घी में और उसके बाद आपको बताएंगे क्या करना है। तो चलिए दोस्तों, ये पार्ले जी बिस्किट थोड़ा सा घी गर्म हो गया है तो डाल लेते हैं हल्की सी सिम आंच पे, फिर आंच को कर देंगे बंद और बिस्किट्स को फटाफट से निकाल लेंगे बाहर ताकि हल्का सा घी एब्जॉर्ब हो जाए बिस्किट में, क्योंकि बर्फी का जो स्वाद है वो घी ही लाता है, तो घी हल्का सा बिल्कुल बिस्किट्स में जाना जरूरी है। तो चलिए, ये हल्के से डिप हो गए हैं, फटाफट से इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए, ऐसे एक एक करके सारे के जो सारे बिस्किट्स आपने रखे हैं वो घी में डुबो लीजिए और बाहर निकाल लीजिए। पार्ले जी बिस्किट की जो मिठाई आज हम तैयार कर रहे हैं, मानिएगा दोस्तों इतनी स्वादिष्ट तैयार हुई है। लगभग 1.25 किलो से 1 किलो बर्फी हमने तैयार कर ली है और मात्र 10 रुपए के ही पार्ले जी बिस्किट हमने लिए थे। तो सारे के सारे घी में डुबो लिए दोबारा से, और आप चाहें तो किसी गिलास में कटोरी में भी घी निकाल के रख सकते हैं गरम, और उसमें भी हल्का डुबो सकते हैं। ये देखिए बस, लेकिन घी अच्छे से गर्म हो तभी मजा आएगा इस रेसिपी का, ताकि पार्ले जी बिस्किट थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए, हमने सारे के जो सारे बिस्किट थे वो डिप कर लिए हैं और अब फटाफट से क्या करते हैं, आपको प्लेट में दिखाते हैं कि कितने सारे हमारे 2 पैकेट में पार्ले जी बिस्किट डिप होकर मिल चुके हैं हमें। अब क्या कीजिए, फटाफट से आप ले लीजिए एक मिक्सी का जार और ये सारे के सारे आपको ग्राइंड कर लेने हैं बिस्किट। तो हमने जार ले लिया है और फटाफट से बिस्किट सारे डाल लेते हैं। अब आपको क्या करना है, इसको ढक्कन लगा के फटाफट से इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं घी एब्जॉर्ब किया हुआ। अब इसमें डालेंगे 1 कटोरी मिल्क पाउडर, ये देखिए, और हल्का सा दूध, आधी कटोरी से भी कम, और अब इसको घुमा देते हैं दोबारा से मिक्सी में। ये देखिए कितनी बढ़िया से अच्छे से मिक्स हो जाएगी, और ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब वापस ले लेते हैं वही पैन और इसमें डालेंगे 1/2 कटोरी चीनी और 1/2 ही कटोरी पानी। 1/2 कटोरी पानी डालने के बाद जैसे ही पानी पिघल जाएगा, ये जो मिश्रण हमने मिक्सी में पीसा था इसको फटाफट से आप डाल दीजिए इसी पैन में जिसमें हमने बिस्किट और साथ में मिल्क पाउडर तैयार करा था, वो सारा का सारा मिश्रण इसमें डाल देंगे। ये इतनी बढ़िया बन के तैयार होती है और इतनी अच्छी बर्फी बन जाती है कि लोगों को एक नई चीज़ मिल जाती है, नयापन मिल जाता है, क्योंकि अक्सर खोए की बर्फी सबने खाई होती है, इलायची पिस्ते की सबने खाई होती है, तो ये जो बर्फी बन के तैयार होगी ना, ये ना मूंग दाल बर्फी के जैसी है, ना बेसन की बर्फी की जैसी है, ना खोए की, तो एक नया सा फ्लेवर आ जाता है और सामने खाने वाला भी एक बार को सोच में पड़ जाता है कि ये बर्फी किस चीज़ की तैयार हुई होगी। आपको इसको कब तक पकाना है, जब तक ये पैन को छोड़ने ना लग जाए मिश्रण। अभी तो बेहद पतला है लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे गाढ़ा हो जाएगा, अच्छे से मिक्स होने लगेगा और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये अच्छे से तैयार हो चुका है। बस आपको इंतज़ार करना है कि ये बस पैन को अच्छे से छोड़ने लग जाए, और इसको पैन को छोड़ने में ज़्यादा समय भी नहीं लगने वाला है, मात्र 2 से 3 मिनट और ये पैन को झटपट छोड़ने लगेगा मीडियम आंच पे। देखिएगा कितनी जल्दी, नॉनस्टिक पैन नहीं लिया है तो आपको थोड़ा सा हल्का सा चिपचिपा सा दिख सकता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छे से छोड़ देगा। और आप नॉनस्टिक पैन लेंगे तो उससे तो और भी ज़्यादा सफाई से छोड़ देगा इजीली। तो चलिए, ये सारा का सारा पकने वाला है, बस 1 से 1.5 मिनट मुझे हो चुका है और मुझे दिख रहा है कि ये अब टाइट होना शुरू हो चुका है और पैन को छोड़ना शुरू हो चुका है। ये देखिए कितने अच्छे से पैन को छोड़ दिया है। बस अब फटाफट से गैस कुकर रहा हूँ मैं बंद,
और इसको फटाफट से जहाँ पे मैं बर्फी तैयार करूंगा वो बर्फी की प्लेट में डाल लेता हूँ। ये लीजिए, फटाफट से इसे निकाल देते हैं और इसे डाल देते हैं बर्फी की प्लेट में। ये गया बर्फी की प्लेट में। तो अब आपको क्या है, इसे बर्फी की शेप में सेट कर लेना है अच्छे से, और ये सिर्फ 10 से 15 मिनट में उसके बाद अच्छे से सेट हो जाएगी और इसकी बर्फी आप काट के निकाल सकते हैं। तो माना दोस्तों, सिर्फ दो पार्ले जी से कितनी बढ़िया हमने डिश बना के तैयार कर दी आज। इतनी बढ़िया बर्फी, मेहमान भी खाएंगे तो भी खुश और घर वाले खाएंगे वो भी खुश। एक नयापन आ जाएगा इस बर्फी के स्वाद में और ये कभी शायद खाई भी नहीं होगी इस फ्लेवर की। तो चलिए देखिए, अच्छे से हमने सेट कर लिया है इसको बर्फी की ट्रे में। इस ट्रे में अच्छी सी हमने ऑयलिंग भी कर रखी थी नीचे हमने, ताकि ये चिपके नहीं। तो ये देखिए भाई वाह, अच्छे से अब इसको सेट कर लिया है। इसके ऊपर मैं अब फटाफट से लगा लूँगा सेट करने के बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स बहुत ही अच्छा इसमें स्वाद देंगे। तो कैसी लगी है दोस्तों आपको ये पार्ले जी बिस्किट की बर्फी, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं फिर से लौटूंगा, तब तक आप देखिए कितने अच्छे से हमने इसको सजाया है और कितने अच्छे से इसमें ड्राई फ्रूट लगा के दबा देना है। और 15 मिनट के बाद जब हम इसे काट रहे हैं तो देखिएगा कितना बढ़िया इसका लुक आया है, और एक एक बर्फी का पीस इतना अच्छे से शाइन कर रहा है, इतना बढ़िया हाथ में लेके लग रहा है कि बहुत ही कोई अच्छी और रॉयल मिठाई मैं खा रहा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। तो देखिए कितने बढ़िया बढ़िया पीसेस इसमें से कटने वाले हैं। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा अगर आपने ये रेसिपी ट्राई करी है और आपको बढ़िया लगी है। मैं फिर से आपको कुछ और रेसिपी ज़रूर बताऊंगा झटपट, जो आपको इतनी ही स्वादिष्ट भी लगने वाली है। तो चल, ये तो हमारी बर्फी तैयार हो गई है और इतनी स्वादिष्ट, बढ़िया,